क्वेश्चन नंबर 27, अ स्टोन विद वेट डब्ल्यू इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इनटू द एयर विद द ग्राउंड लेवल विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट. इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ ड्यू टू द एयर ड्रैग एक्ट ऑन द स्टोन थ्रू आउट दिस राइड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन विल बी. ठीक, तो सिचुएशन यहाँ पर डायग्राम में हम लोग बना लेते हैं. सिचुएशन में क्या बनाते हैं, देखो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ से एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि हमें कितनी दे रखी है, वी नॉट, कितनी दे रखी है, वी नॉट. ये जैसे ही पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, मैं यहाँ पर पार्टिकल की एफबीटी बना के दिखा रहा हूँ, एक तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, एफ एस इसको नाम दे देते हैं, ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, और ये पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड. ड्रैग फोर्स लगता है वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में. ये जो बुलेट है या पार्टिकल है, ये एच हाइट ऊपर जा करके क्या हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो. यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाती है, जीरो, यानी कि यहाँ पर ये रेस्ट पर आ जाता है, एच हाइट ऊपर जाता है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ड्रैग फोर्स भी नीचे. तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मीन्स वर्क डन बाय द ड्रैग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल. लिख सकते हैं वर्क डन बाय द ड्रैग फोर्स कितना, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, और यहाँ पर एफ एस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ड्रैग फोर्स को एफ से, स्मॉल एफ से. तो हम यहाँ पर भी स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे लिए इजी रहेगा, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ इनटू एच, वो भी कैसा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंटी पैरेलल है दोनों. माइनस यानी कि यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं पहले, प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी ही नेगेटिव में, माइनस ऑफ एम जी इंटू एच इज इक्वल टू के फाइनल कितना, जीरो, माइनस के इनिशियल कितना, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर. ठीक, चलिए अब ये कितना हो गया, माइनस ऑफ एफ एच माइनस ऑफ एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक, और mg को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर w लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टोन का वेट कितना दिया हुआ है, w दिया हुआ. ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस f इंटू एच माइनस w इंटू एच इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर. क्लियर, चलिए इससे ये भी माइनस में है, माइनस h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा हाफ m, इसको एक काम करते हैं, ऊपर लिखते हैं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ प्लस डब्ल्यू. लिख सकते हैं एफ प्लस डब्ल्यू. ठीक, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी किसमें आई, नेगेटिव, ये भी खुद नेगेटिव में. वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल जो कि है जीरो माइनस के इनिशियल. ये क्वेश्चन आएगी, इससे हमारा क्या आ जाएगा, एच निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास एम अननोन है, तो हम एम को क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई टू. ठीक, एम को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी, एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी. तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू जी वी नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ प्लस डब्ल्यू, एफ प्लस W. अगर मैं W को किधर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाय W प्लस 1. ठीक, F डिवाइडेड बाय W प्लस 1, तो ये हो जाएगा V नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G F डिवाइडेड बाय W प्लस 1. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा. तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि वेलोसिटी किधर है, ऊपर है, वेलोसिटी अगर ऊपर है तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और ड्रैग फोर्स नीचे है, एम जी भी नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, दोनों सारे के सारे क्या है, एंटी पैरेलल. डिस्प्लेसमेंट और ड्रैग फोर्स एंटी पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट और एम जी एंटी पैरेलल,
तो दोनों का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये फाइनल कितना, जीरो के इनिशियल कितना हैपन, वी स्क्वायर। तो इससे ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, तो माइनस से माइनस सब जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और हमने डब्ल्यू की जगह क्या लिखा, क्योंकि एम जी इजिकल टू होता है डब्ल्यू, इसलिए एम इजिकल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई जी, और उसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, से हमारा रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।